सिन्हा जी बोल रहे थे भोजपुरी के पक्ष में कि अष्टम सूची में रखना चाहिए और भोजपुरी का ज्ञान उनको है नहीं। हम हैं भोजपुरी इलाका के रहने वाले लोग, तो मैंने कहा कि भाई भोजपुरी में बोलिए, तो वो मतलब देखेंगे लालू जी और बोलेंगे तो हमको वो राष्ट्रीय पर्सनालिटी का अनुशंसा किए। पूरे देश भर में इसी तरह का अफवाह फैलाया गया था, गणेश जी दूध पी रहे हैं और सारे लोग देशवासी दूध पिलाने में लग गए। अब ये टेलीफोन एसएमएस, तो ये एसएमएस फैलाने वाले लोग और 14 के चुनाव को ध्यान में रखने वाले लोग, असली बात समझिए, डांटिए मत लोगों को। तो ये राजनीतिक लाभ कौन उठाना चाहता है, ये कौन उठाना चाहता है? ये सरकार, आप फिर देखिए, फिर अब आपके दाढ़ी में वो तिनका हम नाम नहीं ले रहे किसी का, बता देते हैं। गणेश जी दूध पिलाने वाला तत्व को मालूम नहीं है कि कौन लोग है, कौन है, कौन लोग है? ये षड्यंत्र है, देश को टुकड़ा टुकड़ा करने का षड्यंत्र है, भाई भाई में लड़ाने का। कृपा किया हूं कि उनके ऊपर केस नहीं किया, जीते अल्टीमेटली कल एलिगेशन लग जाएगा, प्रधानमंत्री को झोरा लेके घूमते रहिए लोकपाल। सीबीआई लड़ाई किस बात का, ये चाहते लोग सीबीआई इनके हाथ में समूचा दे दो, सीबीआई का ऑटोनॉमी कर दीजिए, स्वायत्त कर दीजिए। मैं तो यही लड़ रहा हूं, दिल्ली से लेके दुनिया भर में सब था, वो बोलते पैकेज दिया क्या बोले थे भाई बहनो, बिजली आई, बिजली मिली, अरे मोदी जी ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या आप लोग? क्या बात है, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना दे? अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी मोदी मोदी, हम लोग नहीं समझते हैं। जवाब है भाई, आप बोलते कि हम 5 करोड़ नौजवानों को जो नौकरी देने का बात किया था, हम झूठा नहीं पूरा किया, 15-15 लाख, 15.5 लाख सबको, आप लोग बैठे हुए हम लोग सबको 15 करोड़ भारतीयों को कहा था कि बैंक में रुपया नेता सबका है। आप मेरा भी नाम लिया था यार, एस वाला किसान 29,000 लालू का है, क्या बात, 2,900 रुपया दे ना रे भाई, निकाल 15.5 लाख जमा करेंगे। बटम दबता था वहां से फोन में, अच्छे जी 15.5 लाख, लड़का लड़की, मम्मी पापा जी 15.5 लाख, अरे अमित शाह कब का नेता, अमित शाह बोलो, बोल दिया तो जुमला था, अरे गंगा माई को भी धोखा ही दिया लो बनारस में, जाकर देखो पूछो, बनारस व्यापारी है तो साड़ी उड़ी लाने जाते होंगे, क्या हालत है वहां, सब एक भी बात बताओ देश के प्रधानमंत्री भाजपा वालों कि 14 महीना में एक भी काम डिलीवर किया हो तो आप बताओ, हम राजनीति छोड़ देंगे, हम पार्टी के लाते, हमारी शक्ति है, हवाबाजी से हो। काला धन, और सब कांग्रेस के नेता का नाम लिख के बोला कि 6,500, हमारा मेरा भी नाम लिखा कि
26 लाख करोड़ विदेश के खाता में जमा है। आप अपना रिकॉर्ड में देखो, मोबाइल में देखो भाई, बैठा बैठा मोदी जी बताओ, हमको बैठा दो। एक महीना में हम ला के काला धन, गरीब अमीर नहीं, जज साहब को भी, वकीलों साहब को, वरिष्ठों साहब को, नेता लोग को भी, 125 करोड़ भारतीयों को कहा था कि हम 15.5 लाख रुपया जमा कर देंगे। तब माननीय मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, नीतीश कुमार, सोनिया गांधी जंतर मंतर पर हम लोग जनता परिवार जब जुटने लगे तो कहा कि रुपया ले आओ, किसान वाला जो बात जो लड़ाई हुई रुपया लाओ जमा करो, इतना बहुमत हो गया। तो इनके हमको भी फायदा होता, हमारा हमारी 7 बेटी 2 बेटा और लालू और राबड़ी 11 और 15.5 से गुना कर दो तो 1 करोड़ 1 लाख हो जाता, बैठ के चाबते रहते हम लोग मोबाइल में निकाला, मम्मी बचवा सब ठगा गया, मम्मी अच्छा दिन 15.5 लाख रुपया। अरे भाई यह शाह जी बोल दिया कि ये तो जुमला था जो नीतीश कुमार चारों तरफ बोर्ड पर लिखे हुए हैं, अंगुली से बता रहे हैं, सब हम लोग पूछ रहे हैं कहा जुमला था, ये झूठ बोल के आए थे अमित शाह बिहार में। जब दाल गायब हो गया, प्याज गायब हो गया तो लोग बोला कि महंगा हो गया, तो अमित शाह बोलते हैं कि योगासन करो, सूर्य नमस्कार करो, तो बिहार के लिफ्ट में ऐसा फंसे। अभी अमित शाह आए थे, इतना मोटा पेट चर्बिया हुआ, आए घुसे लिफ्ट में, आधा घंटा तक वही में अटके ही रह गए। करो योगासन, महंगाई रोकेंगे, चांदी हो गया सस्ता, सोना सस्ता, और दाल और प्याज हो गया महंगा। क्या बोलते हो मोदी जी, आपने गंगा को धोखा दिया, राम को धोखा दिया। मोदी जी आप बताओ, हम पिछड़ा सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ते हैं तो बोलते हो कि जंगल राज, जात पात क्या, आज जब आप प्रधानमंत्री बने थे तो क्या बोले दिल्ली में, हम आरएसएस का दरी बिछाते थे, हम कुर्सी लगाते थे। अरे तो लालू का मूवमेंट का असर है कि भाजपा में पिछड़े वर्गों के जो लोग हो तुम्हारी पूजा, तुम्हारी पूछ होने लगी, और जब हम लोग पिछड़े दलितों को इसलिए कान खोल कर सुनो भाई साहब, यात्रा पिछड़ा वर्ग का लोग हो दबे कुचले लोग, ये बोलता है कि जदवंश, ये इनका भय कि जादुओं को फोड़ो, जादुओं को फोड़ो, जादू फूटे वाला है वो लालू को जादू भाई, हमारा बैकवर्ड छोड़ने वाला है, अगर छोड़ना है तो बोल दो, तो नहीं छोड़ेगा तो हाथ उठाओ, क्या बात उठा करता है, माने जादुए के बेवकूफ समझता है। यादव लोगों जब भैंस नहीं पटक सकी तो नरेंद्र मोदी पटक देगा, देखो सुनो, लालू के चाहने वाले लोगों, अमित शाह पर कहे ने क्या अपील किया, अमित शाह का मुकदमा डिसमिस हुआ तो तुम क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट, देखो ताकि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे,
लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए हमारा।